झारखंड से दक्षिण भारत के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत होने वाली है दिसंबर के महीने में। रेलवे इस रूट पर ट्रेन को खोलने वाली है। इस बार कौन सी ट्रेन का परिचालन यहां से देखने को मिलेगा और कौन से रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन को खोला जाएगा, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो अपडेट में देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को अपडेट को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एलएपी एक्सप्रेस को जल्द चलाने की संभावना है। धनबाद रेल मंडल की ओर से इस ट्रेन की बढ़ती डिमांड से पूर्व मध्य रेलवे अवगत है और इसको अवगत कराने के लिए मुख्यालय स्तर पर इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। आप लोगों का डिमांड था, इसके साथ ही आप लोगों ने हमें कमेंट किया था कि आखिर एलएपी एक्सप्रेस कब चलेगी, और इसी को लेकर के यह वीडियो अपडेट हमने खास बनाया और आखिरकार रेलवे ने हमारी सुन ली और इस ट्रेन को लेकर के एक बड़ा गुड न्यूज जल्द सामने आने वाला है। गौरतलब है कि 22 दिसंबर को एलएपी एक्सप्रेस से जुड़ी एक अच्छी खबर जल्द सामने आएगी। हालांकि रेलवे ने पहले से ही इस ट्रेन की घोषणा करने की बात करने से इनकार कर रही है। हालांकि धनबाद रेल मंडल ने इस ट्रेन को चलाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। देखने वाली बात होगी क्या दिसंबर के महीने में एलएपी एक्सप्रेस की शुरुआत होगी या फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। संभावना है कि इसी महीने एलएपी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस रूट पर धनबाद से चलने वाली इस ट्रेन को पकड़ने के लिए आम यात्रियों के लिए दो इंटरसिटी ट्रेन चलाने की भी बात कही जा रही है, जिनमें की पहली इंटरसिटी ट्रेन धनबाद से पटना इंटरसिटी ट्रेन, वहीं दूसरी धनबाद से रांची के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन। इस ट्रेन को भी जल्द खोलने की बात कही जा रही है, जिससे आम यात्रियों को इस ट्रेन पकड़ने में सहूलियत हो सके और इस रूट पर इंटरसिटी जैसी ट्रेन का परिचालन हो जाता है तो फिर धनबाद, पटना और रांची आपस में तीनों बड़े शहर जुट सकेंगे। इन तीनों शहर के लिए ट्रेन सेवा बहाल हो जाने से झारखंड बिहार आना यात्रियों एवं व्यापारियों को भी आसान हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद से इन तीनों शहरों के बीच रेल सेवा बाधित होता रहा है। ऐसे में एलएपी एक्सप्रेस चलाने की बात जैसे ही सामने आई वैसे ही यात्रियों में खुशी का लहर दौड़ गया और इस ट्रेन के बारे में लगातार हमसे भी सवाल पूछने लगे हैं। इसी को लेकर के आज का हमारा यह खास वीडियो अपडेट था। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।